सहारनपुर में शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से सामने आया है, जहां बिना मान्यता प्राप्त MMI स्कूल चलाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस स्कूल में अवैध तरीके से नाम पर 9वीं और 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी एडमिशन देकर शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा RTI के तहत जानकारी मिलने के बाद हुआ। RTI में खुलासा हुआ कि MMI स्कूल नाम का कोई भी स्कूल सड़क दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। मोहम्मद उबैद। कौन सा स्कूल में पढ़ो? MM इस्लाम स्कूल। कहाँ से आए हो? जी किस जगह है स्कूल? ये दिल्ली सहारनपुर में। सही पढ़ाई हो रही? जी बढ़िया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10 साल से तकरीबन मदरसा चला रहा हूँ। मेरा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ तो मदरसा मोहम्मदी के नाम से सिर्फ मुझे ही मान्यता प्राप्त है, जिसका मैं मदरसा मोहम्मदी का प्रधानाचार्य हूँ और नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हूँ। MM के नाम से जो मदरसा चल रहा है, वैसे में जो आप बिना मान्यता का स्कूल बता रहे हैं, अभी हमारी मैनेजर से बात हुई, उसने बताया मेरी मान्यता है, 1 से 8 तक मान्यता है, लेकिन आपके द्वारा बताया 9, 10 की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, तो उसकी हम कल ही इसकी जांच करा लेंगे। अगर 9, 10 की मान्यता कक्षाएँ बिना मान्यता के 1 से 8 तक के स्कूल में चल रही हैं या मान्यता विद्यालय की नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से उसको बंद कराया जाएगा। और यदि बंद नहीं करता है तो विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही आम में लाई जाएगी और 1 लाख तक का अर्थदंड की व्यवस्था वो उसको लगाया जाएगा।